रकम नरिम आशियाना देसी फूड ब्लॉग में हमारे साथ का सबको प्यार अस्सलाम वालेकुम तो जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉपिंग टू अपनी आपको बताया था कि आप स्टिच हम अपने कपड़े जब स्टिच करेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे तो हम सबसे पहले आए हैं पॉलर और पार्लर में आते ही हमें ये बिल्ली नज़र आई तो हम इसके साथ बैठ गए हैं थोड़ी सी बातचीत करने के लिए तो बहुत ही प्यारी और क्यूट सी ये बिल्ली है मानो बिल्ली है तो अनाया हमारे साथ नहीं आई तो वो बहुत खुश होती तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये बिल्ली है ये एक नहीं दो बिल्लियाँ बिल्कुल हम शक्ल हैं तो जी हम पार्लर आए हैं तो यहाँ पे हमने आई प्रो बनवाने थे अपने और स्किन पॉलिश करवानी थी क्योंकि रश बहुत है तो टाइम बहुत मुश्किल से मिला यहाँ पे क्योंकि ये मेरी कज़न का ही पार्लर है तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे जल्दी से फ़ारिग कर दो क्योंकि मैंने वीडियोस भी बनानी है और अपने कपड़े भी सबको दिखाने हैं शेयर करने हैं तो इसलिए उन्होंने मुझे सबसे पहले टाइम दिया और मेरी आई भी बनाई और स्किन पॉलिश भी की तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी थी वो ये है कि वो जो बिल्ली थी वो हमें अच्छी लगी और मैं मिस कर रही थी अनाया को क्योंकि अनाया मेरे साथ नहीं आई तो वो बिल्ली को देख कर बहुत ज़्यादा खुश होती और उसके साथ खेलती तो देखिए बैठी हुई अभी भी तो इससे बातचीत मैंने की करने की कोशिश की लेकिन ये बहुत शर्मा रही थी और बिल्ली डर रही थी पता नहीं क्या था इसको तो एक ही जगह पे बैठी हुई थी तो हमने इसे हाथ मिलाने की कोशिश भी की लेकिन ये हमारे साथ फ्री नहीं हो रही थी लेकिन हालांकि ये बहुत ही क्यूट सी बिल्ली थी माशाल्लाह बहुत प्यारी बिल्ली है तो मुझे बहुत पसंद आई हालांकि मैं इतना पसंद नहीं करती एनिमल्स लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी दिल को और ख़ूबसूरत चीज़ें तो सबको पसंद होती हैं <laughs> तो माशाल्लाह ये बिल्ली भी बहुत हसीन और ख़ूबसूरत है अपने नाम की तरह तो चलें जी अब हमारी शॉपिंग है जो हमने स्टिच की है अपने कपड़े आपके साथ शेयर करेंगे तो दिखाएंगे हमने कैसे स्टिच की है मैंने खुद घर में स्टिच किए हैं और ये सूट मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया ईद के लिए तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी और ये मैंने स्टिच खुद किया है इसके साथ ये दुबट्टा है बहुत ही ख़ूबसूरत कलर था और लाइट कलर है उसके ऊपर रेड उसकी कॉम्बिनेशन बहुत ख़ूबसूरत लग रही थी तो मैंने सिंपल सी हैं ज़्यादा उस पर वो नहीं किए डिज़ाइनिंग नहीं की है, है सिंपल सूट है बिल्कुल सादा सा गला है क्योंकि इसके जो गले पे कढ़ाई थी बना हुआ था डिज़ाइन और मैंने बस नीचे ये फैंसी लेस लगा ली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी मुझे बहुत पसंद आई जब मैं लेने गई तो मैंने कहा चलो यही लगा लेते हैं थोड़ा सा फैंसी टच भी हो जाएगा साथ में अच्छा लगेगा और सादा लौन्ग का सूट है बहुत ही प्यारा कलर था इसका तो देखें पीछे इसका ये डिज़ाइन बना हुआ है और इसके साथ जो दुबट्टा था वो शफोन का है आजकल चल रहे हैं शफोन के दुबट्टे लॉन्ग के सूट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए और इसके साथ ये ट्राउज़र है ऑफ वाइट और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डिजाइनिंग कर ली और प्लेट्स वगैरह लगा ली इसके ऊपर और दरमियान में मैंने ये शटल लेट्स जो होती है सीढ़ी लेस जिसको बोलते हैं, ये लगा ली डिज़ाइनिंग के लिए तो बहुत प्यारा सा ये ट्राउज़र बन गया हमारा तो ये हमारा सु, एक जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गया तो मेरे बच्चे कह रहे थे कि ममा सबसे पहले आप अपने ड्रेस दिखाओगे <laughs> तो ये मेरा दूसरा सूट है जो ये भी इस लौन का मैंने लिया है इसके ऊपर भी मैंने लेस लगा ली शीशे की लेस है बहुत ही आराम से इजी से लग गई इस तरह से मैंने लगाई है आयरन से और बिल्कुल ये नहीं उतरती चाहे आप इसको वॉशिंग मशीन में वॉश करो तो ये बिल्कुल भी नहीं इसके जो शीशे हैं बिल्कुल नहीं उतरेंगे तो ये भी अच्छा सा इसका ग्रेस आ गया इसके ऊपर ये नेट का दुबट्टा है इसके साथ नेट का दुबट्टा है हमारे इस स्लोन के सूट के साथ तो अपने ऊपर डिपेंडेड होता है कि सूट कैसे बनाना है इसके साथ ये शलवा जो ट्राउज़र हमने बनाया है इसके साथ भी हमने ट्राउज़र बनाया है तो इसके ऊपर हमने ये लैसें लगा ली हैं और शीशे वाली लैस भी लगा ली प्लेट्स लगा के तो ये हमारा प्यारा सा डिज़ाइन बन गया ट्राउज़र का क्योंकि मुझे शर्ट से ज़्यादा ट्राउज़र पे जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा पसंद आते हैं तो ये हमारा दूसरा सूट हो गया तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे कौन सा ड्रेस पहले दिन पहनना चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि पहले दिन मुझे कौन सा सूट पहनना चाहिए ये सूट जो हमने लिया था आपके साथ शेयर भी किया है तो ये मैंने सिंपल सिया सी है बिल्कुल सिंपल है इसका क्योंकि कढ़ाई इसके ऊपर फुल हुई हुई थी तो बस इसके ऊपर मैंने पाइपिंग डोरिंग की है ऑफ़ वाइट क्योंकि इसका ट्राउज़र भी ऑफ वाइट है कढ़ाई भी ऑफ़ वाइट है तो ये मैं ब्लैक में लेना चाहती थी मुझे ब्लैक में नहीं मिला तो मैंने ये कलर भी बहुत ही प्यारा है और ऑफ़ वाइट मैंने इसके साथ ट्राउज़र लिया है इसका सेम नहीं लिया कलर तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कैसे ये मेरे ड्रेस लगे तो इसके साथ ये चिकन का ट्राउज़र लिया है मैंने सिंपल सा चिकन का ट्राउज़र हो वाइट तो अब मैंने लिया है ये अपने बेटे के लिए सूट लिया है ये रेडीमेड सूट मैंने लिया है क्योंकि दो सूट दर्जी को ऑलरेडी दिए हुए हैं सिलने के लिए अभी तक नहीं मिले मुझे तो तीन तीन सूट सबके बनाए हैं क्योंकि तीन दिन ईद होती है तो बच्चे भी खुश होते हैं तो इसके साथ किट है बहुत अच्छा इसका फैब्रिक था सूट का और मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे ज़्यादातर ना जेंट्स को ऑफ वाइट ईद पे पहने में अच्छे लगते हैं सूट और ये मेरी बेटी का इसने अपनी पसंद का लिया है फैंसी सूट लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पहनेगी की लेकिन बहुत ही प्यारा गोल्डन सूट था और अपनी पसंद से उसने चॉइस से लिया है कि मैंने यही लेना है सूट और ईद वाले दिन गर्मी भी बहुत होगी फुल गर्मी होगी और इसलिए मैंने फिर इसके साथ ना ये लॉन का सूट इसका सिया है और डिजाइनिंग की है स्विस लॉन है और इसके ऊपर मैंने डोरी वगैरह लगा के इसकी डिज़ाइनिंग कर दी है क्योंकि अगर वो अगर ना पहने तो और एक्स्ट्रा सूट होना चाहिए उसको पहनाने के लिए इसके इस साथ मैंने नेट का दुबट्टा ले लिया है क्योंकि आप वो कहते हैं कि मुझे दुबट्टा भी हो साथ में तो मैंने फिर ये इसके साथ नेट का दुबट्टा मुझे मिल रहा था अच्छा लगा इसके साथ बिल्कुल मैच था तो ले लिया मैंने तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी डिज़ाइनिंग के साथ मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप बताएं कि आप लोगों को मेरी स्टिच किए हुए कपड़े कैसे लगे क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है क्योंकि घर को टाइम देना होता है कपड़ों को स्टिच किए फिर यूट्यूब को टाइम देना तो बहुत ही मुश्किल से ये सब कुछ है अभी तक सिलने हुए कपड़े पड़े हैं और ये मेरी बेटी के हैं छोटी अनाया के ये मैंने रेडीमेड लिए हैं क्योंकि टाइम नहीं था इनको सीने के लिए तो मैंने रेडीमेड ले, ले लिया ये भी बहुत अच्छे कॉटन काटन पे पिस्टफ था बहुत ही अच्छा था और ये कपड़ा तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि बहुत हल्का और लाइट था बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग कपड़ा था मैं तो इसको कपड़े को ऐसे अजीब सा मुझे लगा अजीब नहीं मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा हल्का सा बिल्कुल लाइट सा तो ये मेरी अनाया के हैं क्योंकि उस हिसाब से लिए हैं गर्मी के हिसाब से बच्चे बहुत कम पहनते हैं भारी कपड़े तो ईद वाले दिन ना फुल ही गर्मी होनी है तो ये हैं हमारे कलेक्शन ईद की तो जी ये हैं हमारे शूज़ सबके मैंने लिए हैं शुमाइम का मैंने खुसा लिया है हाफ अनाया के शूज़ हैं मेरी शूज़ हैं और मेरे बेटे के शूज़ हैं उसने पशावरी शूज़ अपनी पसंद की है और मैं सिंपल पहनती हूँ नीचे हील वगैरह नहीं पहनती और ये हमारी चूड़ियाँ हैं जो मेरी बेटियों की भी हैं तो ये आप ज़रूर बताइएगा कि हमारे ये शॉपिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें कि हमें कौन सा पहले दिन ड्रेस पहनना चाहिए तो अच्छा लगेगा हाँ आप हमारी यूट्यूब फैमिली है हमने आपके साथ ये शेयर किया है सब कुछ तो फिर आपके साथ हम हाज़िर होंगे ईद के दिन या ईद के बाद तो मेरी तरफ़ से सबको एडवांस ईद एद मुबारक हो तो फिर हाजिर होंगी नए व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज़